हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग किस बारे में होने वाला है, ये आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ मैं रुका था, जिस हॉस्टल में, आपको उसका टूर कराता हूँ कैसा है, और कसौल में कौन कौन सी जगह आपको अच्छी हो सकती है रुकने के लिए। क्योंकि मैं बैकपैकिंग करता हूँ तो मैं हॉस्टल को ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, और यहाँ के तीन हॉस्टल देखने के बाद में जो सबसे अच्छी जगह मुझे लगी तो वो ये थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग इसके ऊपर बनाऊँ, ताकि जब भी आप कसौल आते हैं तो आप ऐसी जगह पर रुक पाएँ कि जहाँ आपको सारी फैसिलिटी मिले, पूरा एंटरटेनमेंट मिले और आपको मज़ा आ जाए। ब्यूटीफुल नज़ारे आपने देखे, ये सब यहीं से मैंने शूट किए थे। और अभी मैं आ गया हूँ अपने रूफ टॉप पे, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे ये पूरी स्नो रेंज है, ये पूरे बर्फीले पहाड़ हैं, यहाँ से आप पूरा आनंद ले सकते हैं। अभी थोड़े बादल आए हुए हैं उसके ऊपर, और उसके जस्ट नीचे यहाँ बह रही है नदी, पार्वती रिवर है ना सुमित भाई, ये पार्वती रिवर। तो पार्वती रिवर ये बह रही है, बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है शाम के समय जब आप यहाँ बैठ जाते हैं नीचे। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, रात को पूरी लाइट वगैरह जलती है और पीछे नदी का नज़ारा दिखता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है यहाँ होना। कैंपिंग का अगर आपको शौक है तो कैंपिंग यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ टेंट इंस्टॉल है, इनके चार्जेस अलग हैं, वो अभी सुमित भाई से हम लोग पूछ लेंगे। यहाँ नीचे डॉम बने हुए हैं, तो एक बार चलते हैं डॉम्स में देखते हैं। जो मेरा स्टे मैंने जहाँ किया था जिस रूम में, वो रूम में आपको दिखाता हूँ। तो ये है डॉम, 8-bed डॉम, कुछ ऐसा है, बहुत हाइजेनिक है, प्यारा है, बढ़िया है। मैं लाइट एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। अभी देखिए ये सारे बेड्स हैं, यहाँ कंफर्टेबल बेड्स हैं, आप कितना भी ट्रैक करके आए आपको थकान नहीं होगी, आप आराम से पूरी रात चैन की नींद सोएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ की लगी है वो है यहाँ का वॉशरूम। मैंने हॉस्टल्स में इतने अच्छे वॉशरूम्स नहीं देखे जितना यहाँ है, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना अच्छा वॉशरूम है, पूरा अच्छा है, बड़ा वॉशरूम है, मैंने इतने अच्छे वॉशरूम्स नहीं देखे हॉस्टल्स में, बहुत सारे हॉस्टल्स में मैंने स्टे किया है, मुझे अच्छा लगा यार, किसी भी 3-star होटल से कम नहीं है, अच्छा वॉशरूम है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बढ़िया है, वो ये कि आपके पास यहाँ लॉकर्स आपको मिल जाते हैं बेड के साथ में। अभी मैं 2 हॉस्टल्स में पहले था जिसमें कोई मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली, और इस हॉस्टल में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि आप अपना बैकपैक जो है वो यहाँ फिट कर सकते हैं, ऐसा लॉक लगा दीजिए, अपना बैकपैक अंदर डाल दीजिए और आपका जो सामान है सेफ रहेगा। वैसे भी हॉस्टल का माहौल इतना अच्छा है कि आपको अपने सामान की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं या कुछ ज़रूरी सामान है, तो वो आप यहाँ इन लॉकर्स में लॉक करके रख सकते हैं। और ये जो हॉस्टल के रूल्स हैं वो ये कि स्मोकिंग नहीं कर सकते अंदर, और ये सारे रूल्स तो इनको फॉलो कीजिए, वही बेटर है। और रूम से बाहर निकलते ही ये खूबसूरत नज़ारा आपके साथ रूबरू होता है। मुझे यार बहुत सारी वीडियोस यहाँ बनानी थी, लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई है क्योंकि यार ये जगह दिखाने लायक थी, ये जगह डिज़र्व करती थी कि मैं इसके बारे में बताऊं। और अगर आप यहाँ आते हैं कभी भी इन फ्यूचर, अगर आप यहाँ रुकेंगे तो मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यार ये नज़ारा होता है, हर जगह आप नेचर के इतने क्लोज होते हैं कॉस्टल में कि बस मज़ा आ जाता है। अच्छा, हॉस्टल्स में डॉम के कुछ रूल्स हैं जो आपने देख लिए होंगे, उसमें एक रूल और है, इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है प्राइवेट रूम की, क्योंकि डॉम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, वो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उसके लिए भी यहाँ इस हॉस्टल में प्राइवेट रूम अवेलेबल है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा है ये प्राइवेट रूम।
तो आप कभी भी अपने डॉर्म से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग है, टीवी एलईडी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा ऐसा रूम है, आओ अपना रहो मस्ती करो। बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, और सेम चीज़ वॉशरूम के साथ भी है। वॉशरूम भी उतना ही खूबसूरत है जितना वहाँ था। अच्छा वॉशरूम है, हाइजेनिक है। रूम के बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, ये सेकंड फ्लोर है, यहाँ भी बैठिए कहीं भी बैठिए और अपना चिल आउट कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ हम लोग कल पार्टी कर रहे थे। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ नीचे जहाँ कल रात पार्टी कर रहे थे हम लोग, वो भी सबसे अच्छी जगह है यहाँ की। और रात के समय से यार लाइट जल के इतना अच्छा हो जाता है वहाँ, इतना मज़ा आता है कि आपका उठने का मन ही नहीं करेगा। पार्टी कर रहे थे, बहुत मज़ा आया, पूरी रात हम लोग एंजॉय करते रहे, रात को काफ़ी देर तक हम लोग एंजॉय करते रहे। और एक चीज़ और, अगर आपको और ज़्यादा रिवर के नज़दीक जाना है तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी जगह है यहाँ। यहाँ से बस थोड़ा सा नीचे उतरिए और यहाँ आ जाइए। ये जगह सबसे बेस्ट जगह है अगर आपको थोड़ा सा आइसोलेशन चाहिए और अगर आपको अकेले में बैठना है, थोड़ी देर एंजॉय करना है अपने साथ, कुछ भी आप करना चाहते हैं अकेले बैठ करके, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। सामने नीचे नदी का नज़ारा ऐसा होता है, ऊपर से भी कोई आपको नहीं देख सकता, ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ प्राइवेसी रहती है, चेयर डालिए और बैठे रहिए। यहाँ से लिटरली आपको बता रहा हूँ, अगर आप बैठेंगे ना 10 मिनट आपका उठने का मन नहीं करेगा। और अगर एक बार इस नदी में चले गए तो कहाँ रुकेंगे जाके? इजी वे में आप सीधे बुंतर भी जा सकते हैं। इजी वे में आप सीधे बुंतर जा सकते हैं। बुंतर यहाँ से मैं आपको बता दूँ लगभग 27 किलोमीटर दूर है। बुंतर से पहले आप पकड़ में आने वाले थे, थोड़ा संभल के बैठिए, लेकिन बहुत बढ़िया प्लेस है, आने लायक जगह है। तो अब हम चल दिए यहाँ से रिवर साइड से ऊपर, और ऐसा कुछ रास्ता है नदी का आपने देखा, और यहाँ सारी हट्स हैं, यहाँ सब लोग बैठते हैं। कल रात हम भी यहाँ बैठे हुए थे, पूरा इन्जॉय किया, पार्टी शार्टी चली, बढ़िया मज़ा आया, और बड़ा अच्छा व्यू होता है यहाँ सामने का। स्नो रेंज वहाँ ऊपर है। यहाँ अंकल लोग काफ़ी समय से जमे हुए हैं, सुबह से हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए थे तो भी यहीं थे और अभी भी यहीं हैं, और उनका मन भी नहीं है जाने का, अपना पार्टी चल रही है उनकी। तो ये सारी प्लेसेस हैं, रात के समय यहाँ लाइट जल जाती है तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है पूरा एरिया। कहीं भी बैठिए, पूरे हॉस्टल में एंजॉय कीजिए। इसलिए ये हॉस्टल मुझे सबसे अच्छी जगह लगी रुकने के लिए, और यही मोटिव था कि मैंने यहाँ के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई कि अगर आप भी यहाँ आएँ तो आप देख सकें। तो हॉस्टल आपने देखा, और मुझे रूम बहुत अच्छा मिला और बहुत ही अच्छी लोकेशन मिली रहने के लिए। और लिटरली इस प्रॉपर्टी के लिए जितना यहाँ पे चार्ज किया जाता है, आप अगर आएंगे तो आपका मन करेगा कि आप दुगना पे कर दें, ये मेरी गारंटी, मैं ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इतनी मस्ती हुई है आज, ये कसौल में शायद मेरा आखिरी दिन है, कल मैं मलारा निकलूँगा और वहाँ के बारे में भी एक पूरा ब्लॉग बनाऊंगा, तो बने रहिएगा साथ में और देखते रहिएगा। और ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये लोकेशन आपको कैसी लगी, और कोई भी चीज़ हो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको मिलेंगे हमारे सुमित भाई, आप उनसे कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, इनको सारी आइडिया है यहाँ की लोकल साइट सीन के बारे में, ऐसी ऐसी लोकेशंस के बारे में इनको पता है यहाँ कसौल में, कि अगर आप यहाँ सेल्फ एक्सप्लोर करने आएंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगी विदाउट हेल्प ऑफ एनी लोकल पर्सन। तो उसके लिए यहाँ सुमित भाई हैं, आप पूरे एरिया के बारे में इनसे जान सकते हैं, पूरा कुछ पूछ सकते हैं और आपको भी बहुत कुछ बताएंगे। और हॉस्टल का नाम याद रहे, मुस्तैश कसौल।